गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी बजने वाले हैं कुछ देर में 3:30 एंड मैं अभी पढ़ाई कर रही थी। सी, आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री एंड मैं रीडिंग कर रही हूँ कुछ। सो गाइज, ये है मम्मा यहाँ पे, क्योंकि मम्मा जो है मंदिर जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि मम्मा 6 बजे या 5:45 के करीब मंदिर के लिए निकल जाएंगी, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, इस वजह से मम्मा फ्राइडे को तो मंदिर जाती हैं। मम्मा पिछली बार गई थी ना मंदिर फ्राइडे को? हाँ, गई। मुझे याद नहीं है। गाइज ये देखिए, इसको बस फोन चलाना आता है, बदतमीज लड़का, फोन दिखा भी नहीं रहा है। क्या है? व्हाट? नो। एंड गाइज ये देखिए, ये मम्मा के यहाँ पे शूज रखे हुए हैं। मैं इन पर देखती हूँ, मेरा पैर आ जाएगा। बाय द वे देखते हैं, ओ आ तो गया, पर थोड़ा लूज है, मुझे सही से नहीं आती है ये। देखिए इसमें से पैर निकल रहा है मेरा, और देखते हैं एक बार पहन कर दोनों। ओके, ओह वाह, नाइस। मैं अच्छी लग रही हूँ बाय द वे, नाइस। देखिए आप पूरा देख सकते हैं लोग, कितना बढ़िया लग रहा है। वैसे लोवर के साथ भी ऐसे करा जा सकता है, बट मैं बाहर निकलूँगी तो कोई पागल गएगा। पागल तो नहीं, अच्छी तो लग रही हूँ। देखो देखो, सी अच्छा है लुक तो, वैसे नाइस, सही तो लग रहा है गाइस। देखना इतना तो बढ़िया है, आप लोगों की तारीफ ही नहीं कर रहे हो, करो ना तारीफ करो यार। अभी सॉफ्ट है वैसे अंदर से। ओके उतार देते हैं। एंड मम्मा शायद यहाँ पर है। मम्मा दोबारा से वही कर रही हैं। आपको मम्मा ज़्यादातर ये ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें करती दिखती हैं, क्योंकि मम्मा ब्यूटिशियन है, ये मम्मा का पैशन है, प्रोफेशन है। मम्मा का पैशन है, ये प्रोफेशन है। मम्मा का पैशन प्रोफेशन एक ही है। एंड गाइस थोड़ी देर में भी मेरी ट्यूशन वाली दीदी आने वाली होंगी, क्योंकि अभी 4:20 हो रहे हैं एंड 4:30 तक वो आ ही जाएंगी, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि 4:30 से 5:30 मेरा ट्यूशन रहता है। गाइस ये देखिए, मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी फैमिली फोटो लग चुका है। वैसे तो यहाँ पहले शौर्य का फोटो लग रहा था, जिसमें शौर्य बहुत छोटा था, बट अब यहाँ पे ये वाला फोटो लगा दिया है जो कि हमने निकलवाया था। हैप्पी फैमिली, सो क्यूट ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। माय पापा, माय भाई, मी एंड माय मम्मा। एंड मेरा भाई तो पागल है, एंड मेरे पापा बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, एंड मैं तो सुंदर हुई वैसे। वैसे गाइस कुछ दिन तक तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, बट अब तो बाहर धूप निकल रही है, बहुत ही कड़क धूप निकल रही है बाहर, मतलब लाइक बाहर निकला नहीं जाएगा ऐसी धूप है। मतलब गाइस मौसम चेंज ही होता रहता है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी एकदम से थोड़ी सी गर्मी क्या पड़ जाए तो एकदम से बारिश पड़ने लगती है। बारिश कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है वैसे, गर्मी से ज़्यादा बारिश पड़ रही है, वो भी अब तो मई भी आ चुका है। देखिए बाहर फिर भी थोड़ी बहुत धूप तो है ही, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन अब तक जो मौसम हो रहा था वो अलग ही टाइप, क्योंकि अभी जो रिसेंट के 5-6 दिन थे उनमें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बारिश का मौसम हो रहा था, कभी क्लाउडी हो जाता था, कभी बहुत ज़्यादा मतलब क्लाउड आ जाते थे आसमान में, लेकिन अभी थोड़ा जो है मतलब धूप निकलनी शुरू हो गई दोबारा से। बट अगर दोबारा, मुझे लग रहा है दोबारा ज़्यादा गर्मी पड़ी तो दोबारा से बारिश होगी, एंड होनी चाहिए, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। बट मेरा फेवरेट सीज़न विंटर है, विंटर, क्योंकि मुझे विंटर इसलिए पसंद है क्योंकि विंटर समर से तो बेटर ही होता है, इसमें लाइट भागती रहती है, समर में पता नहीं क्या खाने की चीज़ें अच्छी होती हैं, बट फिर भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो विंटर ही अच्छा लगता है। वैसे मैं जब जीने पर खड़े होकर देख रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है स्कूटी, बट यहाँ नीचे जाके देखो तो इतनी बड़ी दिखती नहीं है, यहाँ से देखेंगे तो इतनी बड़ी नहीं दिख रही है, ऊपर से देख रहे थे तो काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी। गाइस ये देखो, पता नहीं देखो, नाली ऐसे नाली साफ करने जा रहा है, ये पैर ऐसे ऊपर कर लिए हैं, ये तू तो करके भी आ गई है। अरे मैंने कब नाली साफ की? अब तेरे बाद मैं ही तो करने जा रहा हूँ। अरे ओए मजाक नहीं उड़ाना है, बस छोड़ के आ गई तू ही, आधा काम मुझे करना पड़ता। मम्मा मैं तो मजे ले रही थी, तेरे बाद तो मैं ही जा रहा हूँ। देखो गाइस ऐसे इतना ऊपर कर रखा है, इतना गैप है, नाली साफ करने वाले। हाँ ये कब करके आएंगी मम्मा? वो कहेंगे इतनी सुंदर, मतलब नाली साफ करने वाली कहाँ से आ गई, इतनी सुंदर, इतनी सुशील। कहेंगे आप नाली साफ ही कर रही है ना, या फिर मेकअप कर रही है यहाँ पे अपने नाली से? कोई ट्रिक निकाली है नाली मम्मू? गाइस देखिए अभी भी ऊपर चढ़ा रखे, मतलब नाली साफ करने जा रहा है। मैंने नहीं करी है, काम छोड़ा ही तो मैं तो करूंगा। भाई महीने की 3,000 तनख्वाह मिल रही है, देखना अलमारी में इतने अच्छे से कोई कपड़े लगाता है, कितने अच्छे तरीके से रखे हुए हैं सब। मैंने कर दूं खराब? ए नहीं लाओ नहीं। सो गाइज मेरी ट्यूशन टीचर आज 4:30 पे नहीं 5:30 पे आई थी, एंड मेरा ट्यूशन अब खत्म हो चुका है क्योंकि अब 6:30 हो रहे हैं।
मम्मा मंदिर भी चली गई थी फिर उसके बाद में, तो मम्मा अपने लिए रिंग लेकर आई है। ये देखिए गाइस, मुझे भी अच्छी लग रही है, मुझे भी चाहिए, बट मेरे साइज की है नहीं। इसी वाली में आ रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है ये, इसका डिजाइन कितना अच्छा है। ये देखिए गाइस, कुछ लड्डू हैं इसमें, चले लेके चलते हैं। ये लो, टेक दिस, एंड मुझे भी दो एक। कान्हा जी को दे दिया? हाँ दे दिया। ओके गाइस, आप भी खा लीजिए, ये लीजिए। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ी हम पंचायत कर रहे हैं, कुछ लोग आए हुए हैं हमारे घर पे। हेलो गाइस, बोल दो, हाय बोल दो सारे। आयुष्मान 36, समर्थ राघव 35, ज्योति 22, मेरा शौर्य ठाकुर 006, एंड इनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, एंड मेरी आईडी तो आप लोग जानते होंगे, कीर्ति ठाकुर 006। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 8:30, और मम्मा ने टीवी पे अपनी कथा चला रखी है। मैं बस अभी अपनी पढ़ाई कर रही थी, एंड साथ में इधर रखा है हलवा, जो कि मम्मा ने माता रानी का भोग बनाया आज फ्राइडे का, जो कि मम्मा बनाती हैं हर फ्राइडे को, और ये बहुत गर्म गर्म है, मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। सो गाइस, अभी मैं खाना खा रही हूँ, खाने में है पराठे एंड साथ में बैंगन आलू एंड साथ में चाय। आज खाना थोड़ा लेट हो गया बिकॉज जो है ना, मैं अपना वर्क कर रही थी, तो मैंने उस टाइम पे खाना नहीं खाया था, क्योंकि पहले मैं वो निपटा रही थी, अब मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि अभी 9:30 बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया खाने के लिए, वरना मैक्सिमम 8:30 तक तो मैं खाना खा ही लेती हूँ, बट आज 9:30 बज गए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। सो गाइज, अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मुझे कुछ कंफर्टेबल चाहिए था, क्योंकि उसमें मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको पहने, क्योंकि बहुत ये हल्का है ना, सी दिस, इस वजह से पहना है। सो गाइज, मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, करो जल्दी सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।